वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, आज है आपका 7 अगस्त और 7 अगस्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं करंट अफेयर के, उनको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और दोस्तों, आप लोगों से कहना है, जो भी लोग किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करें। अगर वीडियो उनको अच्छा लगता है तो चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर से, यानी कि 6 अगस्त। 6 अगस्त को क्या होता है, हमारा हिरोशिमा दिवस मनाया गया। अब देखिए, इसमें एक दो चीज़ की बात हम और करेंगे। ये मनाया क्यों गया, क्यों मनाया जाता है। तो हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि सेकेंड विश्व युद्ध में 6 अगस्त, ठीक है, सेकेंड विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया। कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा और नाकासाकी नाम के दो शहर पे। पहले गिराया गया था हिरोशिमा पे, यानी हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को, और उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को गिराया गया था नाकासाकी पे, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और पुट होता है कि जो हिरोशिमा पे गिराया गया बॉम्ब था, यानी कि जो पहला एटम बॉम्ब जो किसी विश्व युद्ध में यूज किया गया था, उसका नाम क्या था। तो दोस्तों, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था ना उसका नाम, लिटिल बॉय। और दूसरा बात करें, जो नागासाकी पे गिराया गया था, उसका नाम था फैट मैन। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं हम अपना, कि हाल ही में सर्वाधिक T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने। तो दोस्तों देखिए, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली कौन बने हैं, सर्वाधिक T20 रन बनाने वाले भारतीय। उसमें देखिए, आपका इंटरनेशनल T20 प्लस IPL, ठीक है, उसके उसमें प्लस IPL भी ऐड है। दोस्तों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर इंटरनेशनल T20 रन और प्लस IPL के भी रन को ऐड किया गया है। और जो ये बात हो रही है, खाली इंडिया की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा राइट आंसर होगा। देखो, विराट कोहली हमारे जो है सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली के जो रन हैं 8,416, कितने रन हैं 8,416। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपके आते हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना के जो रन हैं 8,392। उसके बाद आपके आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की बात करें तो उनके जो रन है 8,291 रन। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो क्रिस गेल है। कौन है, क्रिस गेल है, जिन्होंने कितना बनाया है 12,808 रन। दोस्तों, और एक फैक्ट आपको और बता दूं कि T20 में सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने वाले बल्लेबाज कौन बने, तो उसमें आपके रोहित शर्मा नंबर होंगे। यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज कौन है, तो रोहित शर्मा होगा। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना, थर्ड नंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मार्च प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, ठीक है। इसका दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में, ठीक है। इस प्रतियोगिता का जो किया गया है उद्घाटन, इस प्रतियोगिता को जो शुरू किया गया, वो जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, राजस्थान की बात हुई, तो राजस्थान का CM कौन है, अशोक गहलोत, ठीक है। राजस्थान का राजधानी क्या है, तो जयपुर। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो कल्याण सिंह जी, ठीक है। आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, फोर्थ नंबर। हाल ही में माइंडेट्री लिमिटेड के, यानी माइंडेट्री लिमिटेड MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, देवाशीष चटर्जी को, ठीक है, देवाशीष चटर्जी को नियुक्त किया गया। अब ये माइंडेट्री लिमिटेड है क्या, तो माइंडेट्री लिमिटेड एक जो है इंडियन IT कंपनी है। क्या है, इंडियन IT कंपनी है, ठीक है, इंडियन IT कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, ठीक है। और इसके जो CEO, मतलब CEO का मतलब है इसके जो चेयरमैन, जो इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है इस टाइम आपके कृष्ण कुमार नटराजन जी। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में सीतवाल का निधन हुआ, अनंत सीतवाल का निधन हुआ, वह कौन है, क्या वो किससे संबंधित थे। तो दोस्तों देखिए, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट कमेंटेटर, यानी कि वो एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे,
हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेल स्टेन। डेल स्टेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब आप डेल स्टेन की बात करते हैं तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और अब दक्षिण अफ्रीका की बात होती है तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन। क्या है? केप टाउन। और अगर दूसरी राजधानी की बात करें तो प्रिटोरिया, जो कि इनका, और तीसरी की बात करें ब्लोएन फाउंडेशन, ये आपकी अलग अलग है। ये जो केप टाउन है आपकी, ये लेजिस्लेटिव है, बाकी और चीज़ें अन्य तरीके से हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपके पास और आता है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो मुद्रा होगा दक्षिण अफ्रीकन रैंड, ठीक है, दक्षिण अफ्रीकन रैंड। और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? तो श्री रमाफोसा, ठीक है, सिरिल रमाफोसा, ठीक है, सिरिल रमाफोसा जो है प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, सेवन्थ नंबर। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर लेबल दिया है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है। देखो करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब होता है ऐसी कंट्री, ऐसा देश जो अपनी मुद्रा से बराबर छेड़छाड़ करता है, ऐसा देश या ऐसी कंट्री जो अपनी मुद्रा की वैल्यू को कभी कम कभी ज़्यादा दिखाता है अपने फायदे के लिए, ठीक है, उसी को ऐसा होगा। अब देखो ये चीन की बात हो, आप सभी को पता होगा, क्योंकि देखो आप सभी को ये चीज़ें पता है, आप सभी को ये पता है, लेकिन मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप कभी भूलो ना, क्योंकि जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक आपको चीज़ें रिवाइज करनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाइना, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग, ठीक है, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और अगर हम कहें कि उसकी मुद्रा, चाइना की मुद्रा क्या है? रिनमिसी, ठीक है, रिनमिसी। और अगर यहाँ के बात करें राष्ट्रपति की तो सी जिनपिंग, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना, हाल ही में किस राज्य में कोसी मेची नदी अंतः क्षेपण परियोजना को मंजूरी दी? अब देखो कोसी एक अलग नदी है, मेची एक अलग नदी है, ठीक है, तो जो बिहार गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है, केंद्र सरकार की योजना दी गई है कि जो कोसी मेची नदी है इस दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, इसमें 4,900 करोड़ की लागत से परियोजना बनाई जा रही है, ठीक है। और इसके पहले अगर बात करें, इसके पहले ये जो नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू हुई थी, इसके पहले आपका बेतवा नदी को और केन नदी को दोनों को जोड़ने की प्रतियोगिता स्टार्ट की गई, जो कि ये दोनों नदियाँ क्या हैं आपकी? एमपी में है, ठीक है, इसके पहले दोनों नदियाँ किस में है? एमपी में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है, इसका जो ऑप्शन होगा वो बिहार ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग अपना, हाल ही में IIS अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। अब देखिए IIS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस। क्या होता है? इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस। इसकी जो अध्यक्षता किया था उसके IT मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता किया था आपके IT मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, 10th नंबर, हाल ही में आमिर खान ने किस राज्य में मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल शुरू की है? ठीक है, उसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ठीक है। अब ये बात आती है मिशन शक्ति स्पोर्ट्स क्या है, ठीक है, मिशन शक्ति स्पोर्ट का मतलब है जितने भी एथलीट्स खिलाड़ी हैं, यानी एथलीट के खिलाड़ी हैं, उनको जो है उनकी प्रतियोगिता, उनके उनके स्पोर्टपन में निखार लाने के लिए प्रतियोगिता की गई, उनके टैलेंट को सराहा जाएगा, उनके टैलेंट को और बढ़ाया जाएगा। अब आता है कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, आप सभी को पता होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सी विद्यासागर राव, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, क्योंकि देखो आपको चीज़ें पता है लेकिन जब आप रिवाइज करते रहोगे तो आप जल्दी भूलोगे नहीं, ठीक है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने, ठीक है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया है? ठीक है, किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया? ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, 3D स्मार्ट सिग्नल का मतलब क्या होता है? इसमें जो है गाड़ियों की गिनती के हिसाब से सिग्नल चेंज होता रहता है, ठीक है, जिससे गाड़ियाँ जिस साइड पर जितनी गाड़ियाँ रहती हैं उनकी गिनती के हिसाब से जो सिग्नल चेंज होता है। और इसको बनाया किसने? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने, इसका यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अपने, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग और आनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया? तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान ने।
राजस्थान ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है, अब ये देखिए पहले तो मॉब लिंचिंग क्या होती है, ठीक है। मॉब लिंचिंग का मतलब उससे जैसे जब 4-6 लोग कहीं इकट्ठा होकर किसी बात विवाद पे जो है किसी की हत्या कर देते हैं, या कहीं गाय को नाम को लेके या किसी संप्रदाय को नाम के लेके जो हिंसा होती है उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मॉब लिंचिंग पर आजीवन कारावास और 5 लाख देना पड़ेगा, यानी इसने जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है कि अगर आप मॉब लिंचिंग में किसी को किसी के साथ होती है तो उसे उससे क्या, और जो दोषी होगा करने वाला उसको 5 लाख जुर्माना देना पड़ेगा और आजीवन कारावास होगा। और इसके अलावा अगर आनंद क्लीन करता है तो उसको मृत्युदंड की दंड भेज दिया जा सकता है दोस्तों। अब देखिए फिर राजस्थान की चर्चा हो रही, जिसको अभी हमने पहले डिस्कस किया था, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो कल्याण सिंह जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो आपके क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। और अब जो कल का क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हंगेरियन ग्रां प्री किसने जीती है, दोस्तों इसका देखो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन, ठीक है, लुइस हैमिल्टन, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन होगा आपसे वो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन था आपको सब समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी चीज़ से कोई रिलेटेड, और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप जितना हो सके उतना डिटेल में लिख के भेजा करिए दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को जरूर करें, अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करें दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।